हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे इंट्रा ऑक्यूलर लेंस के बारे में। तो इंट्रा ऑक्यूलर लेंस का सबसे पहली बात तो समझ में आता है कि एक तरीके का लेंस होगा, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल लेंस विच इज़ यूज्ड इन द केसेस ऑफ कैटरैक्ट आफ्टर द पोस्ट ऑपरेटिव इंसीजंस विच आर मेड बाय द ECCE और ICCE, राइट। सो बेसिकली लेंस को रिप्लेस करने के लिए हम लोग कुछ इंट्रा ऑक्यूलर लेंस का यूज़ करते हैं ताकि उसकी रिफ्रेक्टिव पावर जो है करेक्ट हो जाए और बंदा आराम से देख सके, ठीक है। तो इट जो बेस्ट साइट है, तो सबसे पहले स्टार्ट करके बेस्ट साइट फॉर IOL इम्प्लांट इज़ द कैप्सुलर बैग। कैप्सुलर बैग में बेस्ट साइट होती है IOL इम्प्लांट की, ठीक है ना। तो इसीलिए आजकल के केसेस में ICCE जो इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज इन दैट वी रिमूव होल ऑफ द लेंस एंड द कैप्सूल ऑल्सो, राइट। सो वहाँ पे कैप्सुलर बैग तो रहता नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग को जो IOL इम्प्लांटेशन का बेस्ट साइट वो हम लोग को मिलता नहीं। इसलिए वी टेंड टू यूज ICCE इन जस्ट केसेज ऑफ सबलक्सेशन ऑफ लेंस, राइट। सो अभी का जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है केवल ICCE करने का तो सबलक्सेशन ऑफ लेंस में है, राइट। और कोई इंडिकेशन अभी ICCE के लिए नहीं है। तो अभी यूज करते हैं अपन ECCE, राइट, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन इन विच वी रिमूव लेंस ओनली एंड वी लीव द कैप्सूल बिहाइंड, राइट। सो उसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन बेटर सर्जरी IS इन द केसेस ऑफ विच आर यूज नाउ इज ECCE, राइट। सो टाइप्स ऑफ IOL की बात करेंगे, कितने तरह के IOL होते हैं, राइट, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ IOL वी यूज इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज वी यूज। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर चैम्बर में IOL, कौन से पोस्टीरियर चैम्बर में IOL होते हैं। तो अपना अगर आपने मतलब अपना ये एनाटमी फॉलो किया होगा आएगा, तो आपको समझ में आता है एक एंटीरियर चैम्बर होता है, एक पोस्टीरियर चैम्बर होता है, एक एंटीरियर सेगमेंट होता है, एक पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। तो द सेगमेंट्स आर जस्ट द एंटीरियर सेगमेंट इज जस्ट मेड अप ऑफ एक्विस ह्यूमर, राइट, एंड द पोस्टीरियर सेगमेंट इज मेड अप ऑफ विट्रियस ह्यूमर। और चैम्बर जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर आर द पार्ट ऑफ इंटीरियर सेगमेंट, ठीक है ना। तो अगर पोस्टीरियर चैम्बर की मैं बात करूँ, आयरिस के पीछे पीछे वाला हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर। अब उसमें कोई IOL हो तो पोस्टीरियर चैम्बर IOL, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखना है, जैसे पोस्टीरियर चैम्बर IOL किसका बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ सिलिकॉन और एक्राइलिक। तो पोस्टीरियर चैम्बर IOL PC IOL किसका बना हुआ है, सिलिकॉन और एक्राइलिक का। दीज लाई बिहाइंड द आयरिस, ये आयरिस के बिहाइंड लाई करते हैं, मे बी सपोर्टेड बाई सिलियरी सल्कस और बाई कैप्सुलर बैग, राइट। तो ये किससे हम लोग का सपोर्ट हो सकता है, सिलियरी सल्कस से या कैप्सुलर बैग से, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ डायग्रामेटिक फॉर्म में थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है, राइट। तो लेंस के दो पार्ट होते हैं, पहले तो एक ऑप्टिक और उसके जो साइड में निकला हुआ होता है हुक टाइप का, उसको हैप्टिक, राइट। तो एक चीज़ पहले तो ये समझनी है बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो IOL बिहाइंड द आयरिस, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आयरिस के बिहाइंड, ये आयरिस है, ये आग की डायग्राम है, ये आयरिस है। आयरिस के बिहाइंड जो है ये लेंस, ये पोस्टीरियर चैम्बर IOL है, राइट, ठीक है। तो स्क्लेरल फिक्स्ड IOL व्हेन कैप्सुलर बैग इज एब्सेंट। तो अगर कैप्सुलर बैग जब एब्सेंट हो, ठीक है ना, जब कैप्सुलर बैग एब्सेंट हो तो हम लोग स्क्लेरल फिक्स्ड कर देते हैं व्हेन कैप्सुलर बैग इज एब्सेंट। और जहाँ पे कैप्सुलर बैग हो, ये तो आइडियल है, ये आइडियल केस में होता है। तो एक तो हम लोग सिलियरी सल्कस में इम्प्लांट कर सकते हैं और आयरिस फिक्स्ड कर सकते हैं, आयरिस फिक्स्ड जो आयरिस से हीट हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। दो तरीके से, एक सिलियरी सल्कस पे और मतलब कि दिस लाइन बिहाइंड द आयरिस एंड सपोर्टेड बाय सिलियरी सल्कस और कैप्सुलर बैग। कैप्सुलर बैग से भी वो सपोर्ट कर सकते हैं और सिलियरी सल्कस में, और आयरिस फिक्स्ड हो सकता है, कैप्सुलर बैग में आइडियल होता है, ठीक है ना। अब पावर ऑफ मतलब पावर इसका IOL का हम लोग कैलकुलेट करने के फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं SRK फॉर्मूला, राइट। तो उसमें क्या होता है कि P इक्वल्स A माइनस 2.5 L माइनस 0.9 K। अब इसका क्या मतलब है, P मतलब IOL का पावर, क्या पावर रहेगा IOL का, राइट। A जो होता है स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है, जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। L क्या है, स्पेसिफिक एक्सियल लेंथ ऑफ द आईबॉल इन mm, ठीक है ना। तो एक्सियल लेंथ जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 24 mm होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी लेंथ रहेगी आईबॉल की उसको नापेंगे, L में उसको रखेंगे। और 0.9 होता है केराटोमेट्री, ठीक है, कर्वेचर मतलब क्या केराटोमेट्री कॉर्निया कैसा है, ठीक है ना। तो केराटोमेट्री 0.9 केराटोमेट्री। तो क्या रहा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू A माइनस 2.5 L माइनस 0.9 के ए, अरे पी इज इक्वल टू ए माइनस 0.,  अरे पी इज इक्वल टू ए माइनस 2.5 L माइनस 0.9 K, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ याद रखनी है। अब देखो ए का क्या महत्व है, तो स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है ये IOL का,
ठीक है ना, ये स्पेसिफिक कांस्टेंट है तो बेस्ड ऑन द टाइप, ये टाइप कुछ टाइप पे बेस्ड होता है, कांस्टेंट क्या रहेगा हमारा, तो उसके टाइप होते हैं। एक तो फोल्डेबल हो सकता है, नॉन फोल्डेबल। फोल्डेबल क्यों यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादा छोटी सर्जरी के लिए, ताकि हम लोग स्मॉल इंसीजन से लेंस को फोल्ड करके डाल सकें, ठीक है। नॉन फोल्डेबल बेसिकली लार्ज इंसीजन सर्जरीज में यूज़ होता है। तो नॉन फोल्डेबल कौन सा होता है, PMMA मतलब पॉलीमिथाइल मेथेक्राइलेट, जो कि ACIOL में यूज़ करते हैं, एंटीरियर चैम्बर इंट्राओक्युलर लेंस होता है, ठीक है ना। और फोल्डेबल में बेसिकली हम लोग कौन कौन सा एक्राइलिक यूज़ करते हैं, हाइड्रोजेल सिलिकॉन जो कि पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल जिसका बना होता है, ठीक है ना। एक होता है फेकिक आईओएल, तो हम लोग क्या करते हैं, फेकिक आईओएल हम लोग तब डालते हैं जब हमके नेचुरल लेंस के ऊपर डालना होता है, जस्ट हम लोग ऊपर ही डाल देते हैं नेचुरल लेंस के, नेचुरल लेंस से उसके जस्ट ऊपर हमने डाला, तो वो क्या हो गया, फेकिक आईओएल, राइट। तो ये एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, फेकिक आईओएल क्या है, आईओएल बिहाइंड आयरिस क्या है, स्क्लेरल फिक्स्ड आईओएल क्या है, सीरी सल्कस में कौन सा आईओएल है, ठीक है, आयरिस फिक्स्ड कैसा है, पावर कैसा है, कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, नॉन फोल्डेबल फोल्डेबल, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला, ये सब याद रखना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंटीरियर चैम्बर आईओएल की, ठीक है ना, ACIOL, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ आयरिस, ठीक है ना। तो ये सबसे पहली बात, दीज लाई इंटायरली इन फ्रंट ऑफ आयरिस, ये हमेशा सबसे पहली बात, तो ये इन फ्रंट ऑफ आयरिस रहेंगे और सपोर्टेड बाय द एंगल, और ये सपोर्टेड रहते हैं किसमें, इन द एंगल में, एंगल में सपोर्टेड रहते हैं, राइट। ये किसमें सपोर्टेड रहते हैं, ये एंगल में सपोर्टेड रहते हैं, राइट। तो ये इन फ्रंट ऑफ आयरिस हो गए, एंगल सपोर्टेड है, आयरिस सपोर्टेड है, आयरिस फिक्स्ड है, राइट। तो एंगल सपोर्टेड है, आयरिस सपोर्टेड है, देखो एक तो चाहे तो एंगल्स पे सपोर्टेड हो, या तो आयरिस पे सपोर्टेड हो, यहाँ पे आयरिस पे फिक्स हो, राइट। तो पावर यहाँ पे क्या होता है, इक्वल्स 3D लेस देन PCIO है। PCIO से इनका पावर जो होता है मोस्टली 3 डायोप्टर कम रहता है, राइट। और अगर आयरिस सपोर्टेड रहा तो फिक्स्ड ऑन द आयरिस विद द हेल्प ऑफ सूचर्स लूप्स, ठीक है ना। ये आयरिस अगर सपोर्टेड है तो आयरिस पे ही हम लोग फिक्स कर देते हैं, और किससे फिक्स करते हैं, सूचर लूप्स और क्लॉज से, सबसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं, सूचर लूप्स और क्लॉज से हम लोग आयरिस सब पे फिक्स कर सकते हैं। और ये किसका बना होता है, ये PMMA का बना देता है, पॉलीमिथाइल मेथेक्राइलेट, और इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि UGH सिंड्रोम। अब UGH सिंड्रोम में क्या है, यूवीआईटिस, हाइफीमा और ग्लोकोमा, ये याद रखना, ठीक है। UGH सिंड्रोम इसका एंटीरियर चैम्बर आईओएल का कॉम्प्लिकेशन है, राइट। और यहाँ पे जो ऑप्टिक और हैप्टिक होता है जो इसमें, तो यहाँ पे हैप्टिक जो होता है एस शेप्ड होता है, ये एक चीज और याद रखनी है। तो पार्ट्स ऑफ आईओएल क्या होता है, ऑप्टिक जो होता है रिफ्रैक्शन कराता है, राइट। ये ऑप्टिक है, ये हैप्टिक है, ऑब्वियस ही चीज है, ठीक है ना। तो ये एक चीज याद रखना है, आईएल बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स। अब हम लोग बात करेंगे आईएल की जो कि ऑप्टिक्स पे बेस्ड होते हैं। एक तो मोनोफोकल हो सकता है, मल्टीफोकल हो सकता है, टॉरिक हो सकता है, या स्क्वायर गेज हो सकता है, ठीक है ना। मोनोफोकल, मल्टीफोकल, टॉरिक, स्क्वायर गेज आईओएल हो सकता है। तो मोनोफोकल में क्या आएगा, मोनोफोकल होता है वो डिस्टेंट विजन के लिए, स्टिल नीड ग्लासेस फॉर नियर विजन, ठीक है ना। एक मतलब कि एक के लिए मैंने, मतलब मान लो कि जैसे बंदे को दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, दूर का भी देखने प्रॉब्लम है, पास का भी देखने प्रॉब्लम है, हमने मोनोफोकल दे दिया तो डिस्टेंट विजन के लिए हो गया, लेकिन पास वाला तो अभी भी दिक्कत कर रहा है अगर मोनोफोकल दिया। अब मल्टीफोकल, मल्टीफोकल में क्या होता है, स्पेक्टिकल फ्री आदमी रहना चाहता है आईएल में, ठीक है ना। तो जैसे कि क्या हो गया, जैसे दोनों का दूर का भी है पास का भी है, बंदे को क्या करना है, वो चाहता नहीं है कि मैं सिलेंड्रिकल लेंसेस लगाऊं, उसको मन नहीं है, ठीक है ना। तो व्हाट ही विल डू कि जो डॉक्टर है वो आईएल दे देगा कि हाँ भाई तेरा एक विजन में करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, डिस्टेंट विजन का उसने करेक्ट कर दिया, राइट। लेकिन पास के देखने के लिए वो चाहता है कि हमें हर समय चश्मा ना लगाओ, दूर का देखने में अगर तकलीफ होगी तो दूर का देखने के लिए दे देगा लेंस उसको, और पास का देखने जब पढ़ते टाइम चश्मा लगाना हो तो वो पढ़ते टाइम आराम से लगा सकता है, ठीक है ना। तो उसका जो है पावर जो आँख का है वो मतलब वो मेंटेन रहेगा, ठीक है ना, मतलब हर समय उसको चश्मा पहनने की जरूरत नहीं होगी, जो कि ये कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं एक तरीके से। मल्टीफोकल जो होता है स्पेक्टिकल फ्री कर देता है एकदम बंदे को कि हाँ जोन्स जो होते हैं अपीयर्स एज रिंग्स, इसमें जोन्स जो होंगे वो अपीयर एज रिंग की तरह अपीयर करेंगे, देख लो रिंग रिंग बन रहा है यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव आईओएल होता है, डिफ्रैक्टिव आईओएल होता है, अकोमोडेटिंग आईओएल, 3 तरह के होते हैं। तो RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऐसे करके याद कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव, डिफ्रैक्टिव और एकोमोडेटिंग आईओएल हो सकता है, ठीक है ना। तो एकोमोडेटिंग जो आईओएल है डायनामिकली चेंज द एकोमोडेशन बाय इटसेल्फ, जो एकोमोडेटिंग आईओएल है इसमें वो डायनामिकली जो चेंज कर सकता है एकोमोडेशन को अपने ही तरीके से, ये कर सकता है डायनेमिकली चेंज द अकोमोडेशन बाय इटसेल्फ, अपने ही तरीके से ये डायनेमिकली चेंज कर लेगा अकोमोडेशन को, राइट। और ड्रॉबैक्स इसके क्या हो सकते हैं, पेशेंट जो है एक्सपीरियंस कर सकता है ग्लेयर से और हैलोज, ठीक है ना। ग्लेयर क्यों एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना, मोस्टली देख लो क्योंकि रिंग्स के फॉर्म में है तो ग्लेयर ऑब्वियसली एक चीज़ हो सकती है। पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट का सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर है आपका ग्लेयर,
राइट, क्योंकि नोडल पॉइंट से लाइट जाती है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे नोडल पॉइंट पे डिफ्रैक्शन होगा तो दिक्कत हो जाएगा, ग्लेयर हो जाएगा बंदे को। और यहाँ पे भी हैलोज का भी हम लोग देख सकते हैं, ग्लेयर और हैलो हम लोग को मिल जाएगा कि हाँ इसमें होता है। और ये एकोमोडेटिंग जो आयल होता है अपने आप ही ये एकोमोडेशन चेंज कर सकता है। टॉरिक आयल क्या होता है, करेक्टिंग फॉर प्री एग्जिस्टिंग एस्टिगमेटिज्म, ठीक है, टॉरिक आयल का इतना ही काम है। आपने पढ़ा होगा कि हाँ भाई हम लोग एस्टिगमेटिज्म के केस में टॉरिक आयल देते हैं या सिलेंड्रिकल मतलब कि चश्मा लगवाते हैं, लेकिन लेंसेज मतलब कि चश्मा लगवाते हैं लेकिन टॉरिक आयल यूज़ करते हैं। स्क्वायर एज आयल एक नया तरीके का आयल है, तो रिड्यूस करने के लिए पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन हम लोग रिड्यूस करने के लिए स्क्वायर आयल देते हैं, क्योंकि स्क्वायर आयल ऐसे मतलब आयल तो ऐसा ही है, मतलब उसको स्क्वायर एज कर दिया ताकि वो दिक्कत ना करे, ठीक है ना, ताकि जो वो पीछे चले जाते हैं कभी कभी यहाँ से होते हुए वो पीछे ना जा पाए, उसको अरेंज कर गया तो वहाँ पे रोक देगा उस चीज़ को। तो इससे क्या होता है कि रिड्यूस हो जाता है पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, राइट, एक चीज़ ये याद रखना, ठीक है। ये डायग्राम मत बनाना इसका, ठीक है, ये बना क्या होता है, नंबर नहीं मिलेगा इसको, बस यूज़ करते हैं कि पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, राइट। अब ये क्या है कि डॉटेड लाइन जो होती है इसमें इंडिकेट कर रही है एक्सेस ऑफ आयल को, और इट इज़ अलाइन टू कॉन्साइड विद स्टीप एक्सेस ऑफ पेशेंट आय, ठीक है ना, ये एक चीज़ कॉन्सेप्ट है, याद करना चाहो कर लो, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। बेस्ड ऑन मटेरियल आयल तो एक होता है रिजिड, एक होता है फोल्डेबल, एक होता है रोलेबल। तो रिजिड में PMMA मतलब पॉलीमिथाइल मेथाक्रोलेट होता है, रिजिड होता है, ठीक है, नॉन फोल्डेबल होता है। फोल्डेबल में इंसीजन साइज रिड्यूस हो जाएगा, एक्राइलिक सिलिकॉन हाइड्रोजेल में बता चुका हूँ। रोलेबल में लीस्ट साइज होता है, मतलब कि रोल करके डाल सकते हो, तो एक्राइलिक अगेन। तो बेस्ट मटेरियल फॉर आईएल जो होता है हाइड्रोफोबिक एक्राइलिक होता है, ये भी MCQ में चाहे तो आदमी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपका आईएल के ऊपर आपका लेक्चर जो होता है ख़त्म होता है। आई होप तो आपको समझ में आया होगा और आपके दिमाग में कुछ चमका होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।